राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के तलाक मामले में नया मोड़ आ गया है। खबर के अनुसार ऐश्वर्या की मां पूर्णिमा राय ने राबड़ी देवी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई और उसके बाद वो वहां से रोते हुए वापस निकल गयी। वैसे भी जब बेटी का घर टूट रहा हो तो एक माँ रोए न तो करे क्या, उसके पास आंसुओं के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बेटी को बड़े ही लाडों से पाला पोषा बड़ा किया और उसे पूरी शिक्षा दी और उसके बाद जब उसके हाथ पीले कर ससुराल भेजे तो ससुराल में बस न सकी क्योंकि पति के लक्षण ही कुछ ऐसे थे। पति के रवैये की वजह से ऐश्वर्या को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, बिलख बिलख कर रोती हुई नजर आई लालू प्रसाद यादव के गेट पर। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे और ऐश्वर्या राय के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत और सुलह करवाने की कोशिश की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद राबड़ी देवी और ऐश्वर्या की माँ पूर्णिमा ने भी बहुत देर तक बातचीत की लेकिन कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। वहां से रोते हुए वो बाहर निकली। इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका अभी तक कोई खुलासा तो नहीं हो पाया है लेकिन सुलह को लेकर ही ये बात हुई थी। इस मुलाकात से पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी से भी बात की थी। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए परिवार न्यायालय में याचिका दायर की है। तलाक मामले में परिवार का साथ नहीं मिलने के कारण तेज प्रताप इन दिनों तीर्थों में पूजा पाठ पे निकल गए थे। राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को समझाने की बहुत कोशिश की थी। लाख मिन्नतों के बाद वो वापस आए थे जिसके बाद राबड़ी देवी ने अपने रूठे बेटे को मनाया, घर वापस लौटने को कहा तो वो वापस तो आ गए लेकिन उनका रोना कम नहीं हुआ। वापस आने के बाद उन लोगों की जब डेट पड़ी तो उस डेट पर वो कोर्ट में गए और वहां पर अपनी पत्नी को खरी खोटी सुना दिया। इसके बाद ऐश्वर्या की मां पूर्णिमा राय उनसे मिलने पहुंची थी ताकि मामले को घर में सुलटा लिया जाए, आपसी सुलह से काम बन जाए, घर का मामला बाहर न जाए। घर वापस लौटने के लिए सभी लोगों ने बहुत सारी कोशिश की लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐश्वर्या की मां पूर्णिमा राय को उम्मीद थी कि शायद मां से बातचीत के बाद तेज प्रताप यादव के रुख में नरमी आई होगी लेकिन लौटते वक्त उनकी आंखों में आंसू था। ये आंसू उनकी सारी कहानी बयां करती हैं कि पूर्णिमा राय और राबड़ी देवी के बीच क्या बातचीत हुई होगी। बताया जा रहा है कि वे कार में सवार होने के बाद लगातार अपने आंखों से आंसू पोंछ रही थी जिससे माना जा रहा है कि तलाक के मामले में तेज प्रताप के रुख में अभी नरमी नहीं आई है। हालांकि तेज प्रताप लालू की बिगड़ी सेहत के कारण नरम पड़े हैं, वहीं तेज प्रताप यादव इन दिनों वृंदावन में थे और उसके बाद अब उनकी वापसी हो चुकी है। वो वहां ठिकाना लगातार बदल रहे थे ताकि उनसे मिलकर कोई किसी प्रकार का दबाव न बना सके। तेज प्रताप यादव के साथ कुछ खास दोस्त भी थे। उन दोस्तों की माने तो वे कार्तिक पूर्णिमा के बाद घर लौटने की बात कह रहे थे लेकिन फिर भी वापसी नहीं हो सकी। अब तो लंबा समय गुजर चुका है, आखिर किस तरीके से इस मामले का निपटारा होगा ये तो देखने वाली बात है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।